है मस्टर्ड ऑयल। तो जैसे आपको पता ही है कि विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है और स्किन ड्राई होती है, तो चलिए आज मैं करने वाली हूँ मेरी नाभि की मसाज इस ऑयल से। और ये मस्टर्ड ऑयल बहुत बेनिफिट है इसका, आप लोग तो जानते हो। तो चलो आज मैं इसी ऑयल से अपनी पेट की मालिश और नाभि में थोड़ा ऑयलिंग करूँगी। गुड फॉर विंटर सीजन बिकॉज ड्राई होती है स्किन। तो आज मैं इससे मसाज करने वाली हूँ। ये जो ऑयल आप देख रहे हैं मस्टर्ड ऑयल, और स्पेसिफिकली मस्टर्ड ऑयल से ही किया जाता है। और ड्राई स्किन अगर हो आपकी तो बहुत यूज़फुल है मस्टर्ड ऑयल। ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन सॉफ्ट होती है, आपका जो दर्द है हड्डी बिड्डी में वो सब दूर होता है, और शाइनी आती है आपके स्किन पे बहुत अच्छी तरह से, एक अलग टाइप की शाइन आती है। तो चलिए आज मैं इसी से अपने पेट मसाज और नाभि को ऑयलिंग करूँगी। जैसे मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में, मैं खुद करूँगी क्योंकि मौसी तो नहीं है, और बहुत दिनों बाद मैं ये शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ मेरी नाभि की ऑयलिंग एंड मसाजिंग। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। ओके सो चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। छोटा सा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत सारा ऑयल, और धीरे धीरे यही ऑयल से मैं मसाज करूँगी, बाद में मैं नहीं लूँगी ऑयल। बहुत सारा लिया है, बिल्ली बहुत लिया है, देखिए। मैं धीरे धीरे करूँ जो ज़्यादा ऑयल हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा ऑयल हो गया, मेरी चलिए एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये देखिए एब्जॉर्ब हो गया, इस तरह से पूरा ऑयल एब्जॉर्ब होने में सिर्फ 2 मिनट लगे। इतनी ड्राई स्किन है मेरी, ये कि पूरा एब्जॉर्ब हो गया। बहुत सारा ऑयल मैंने डाला था, और जैसे आपने देखा विंटर सीजन है तो ड्राई स्किन है, और जितना भी मैंने ऑयल डाला आपके सामने ही ये पूरा एब्जॉर्ब हो गया है। धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाता है और शाइन पूरा कम हो गया, पूरा एब्जॉर्ब हो गया। तो बिलीव मी, मेरी इतनी ड्राई स्किन है।
कि इतना सारा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है मेरे नाभि में, मेरे पेट में, स्किन स्किन में। और अच्छा ही है मस्टर्ड ऑयल, जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा है, ये पूरा एब्जॉर्ब हो गया। अभी मैं वापस ऑयल नहीं डालूंगी बिकॉज बस हो गया, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसीलिए। तो बस आज के लिए इतना ही ऑयल डाला, और बाद में वापस अगर मैं करूंगी मालिश तो ज़रूर शेयर करूंगी। आजकल मौसी मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए खुद का काम खुद करो। तो इस तरह से विंटर सीजन के लिए अगर आप नाभि में ऑयलिंग करोगे तो हाजमा साफ हो जाएगा, स्किन डिजीजेस, नाखूनों में जो फंगस होते हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे। फ्रीक्वेंटली नहीं करेंगे तो अल्टरनेट डेज पे तो एटलीस्ट करना ज़रूरी है, जैसे मैंने अभी कर लिया है। तो इस तरह से ऑयल इतना बच गया है, मैंने सोचा कि मैं पूरे ऑयल से मसाज करूंगी, दिखाई दिया इतना बच गया है। बचा हुआ ऑयल मैं अपने पैरों को लगाऊंगी क्योंकि अच्छा होता है, ऑयलिंग इज गुड इंस्टेड ऑफ क्रीम एंड मॉइस्चराइजर। तो वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, विंटर सीजन में मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, मैं स्पेशली मेरी स्किन की, क्योंकि इतनी डेलिकेट है मेरी स्किन ना, विंटर सीजन में पूरा उसका एक अलग टाइप की खुजली आती है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब। सो इसलिए केयर करना पड़ता है स्पेशली मुझे विंटर सीजन में। तो आप समझ जाइए कि नाभि कितनी सूखती होगी, कितनी ड्राई होती होगी, और इसकी वजह से मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है कि विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है। तो डू टेक केयर ऑफ योर नेवल, मॉइस्ट रखिए बिकॉज क्रीम से कुछ होने वाला नहीं है, अपने जो मॉइस्चराइजर क्रीम रहते हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। सीधा अपना ऑयल यूज़ कीजिए, खाने का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, एनी ऑयल, कोकोनट ऑयल, घी या कुछ भी, तो अच्छा ही होगा बिकॉज दीज आर नेचुरल और अपने स्किन के लिए तो बेनिफिट ही है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ऑयल इज़ गुड फॉर स्किन, इसके डिसएडवांटेज तो कुछ है नहीं। सो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर करना, वरना आपकी मर्ज़ी। फॉलो मी ऑन इंस्टा, मेरा इंस्टा आई डी इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड यस मिस मी टिल नेक्स्ट वीडियो। ओके सो बाय, होपिंग टू मीट यू सून। ओके बाय, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, Johnny Studio, okay guys, bye.